मैं एक सभा में गया, सभा के अंदर मुझे बुलाया, सामाजिक विषय के ऊपर वो सभा होनी थी। तो वहाँ एक सज्जन भाषण देने के लिए वहाँ आए। जब वो भाषण देने लगे, थोड़े समय के अंदर ही उनकी गले की नसें पड़ने लगी। एसी हॉल था, मगर वो पसीने पसीने हुए जा रहे, बड़ा जोर जोर से चीख रहे, उनके मुंह से झाग आने को तैयार। माइक उन्होंने इतना कसकर पकड़ रखा था कि अगर 5 आदमी माइक को छुड़ाएं तो माइक छोड़ नहीं सकते। वो समय वो खूब ले रहे थे, और इतने उस्ताद और इतने कलाकार कि मंच पर बैठे हुए जो लोग थे, 3 बात अपनी कहें और 2 बात उनकी तारीफ में कह दें, और उनका नाम ले लेके बोल रहे थे और उनको वाह वाही उनकी कर रहे थे और बोलते जा रहे थे। समय उन्होंने कुछ ज़्यादा ले ले रहे थे और पूरे जोश में थे, फिनोमेना उनका पूरा था। पसीना और मुंह से झाग बराबर आ रहे थे और हाथ की नसें और गले की नसें तनी हुई थी। भाषण देते देते वो भाषण के बीच में एक बात बोले, जाति कभी नहीं जाती, और बड़े जोर से बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, जैसे सारे लोगों को वो एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज कॉन्फिडेंस में दे रहे हैं। तो मेरा माथा थोड़ा सा ठनका। उन्होंने पर्चियाँ उनके पास आईं, मगर वो फिर वही उन्होंने अपनी कलाकारी, और वो अपने समय से ज़्यादा समय उन्होंने लिया। जब वो भाषण दे के आ गए और आने के बाद में कार्यक्रम ख़त्म हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कहा कि जाति कभी नहीं जाती, ये आपने किस आधार पर कह दिया? और यकीन मानिए कि उनका जवाब सुन के मैंने अपना माथा पीट लिया। उनका जवाब था, राज साहब, जब से हमने होश संभाला है, हमने जाति देखी है और हमने तो कभी जाति हुई देखी नहीं, इसलिए हमने कहा। तो मैंने पूछा कि आपको जाति का फिनोमिना, जाति की टेक्निक, जाति का मैकेनिज्म, जाति का सिस्टम, जाति का तंत्र पता है आपको, कि जाति कैसे काम करती है, कैसे बनती है, हवा में कैसे काम करती है, कहीं लिखित में नहीं है, ज़मीन पर कहीं नहीं है, सब प्रैक्टिस करते हैं मगर इसका कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं कोई आज तक कोई सूची नहीं है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, कहीं किसी को नहीं पता है कि इस जाति का क्या गुण है क्या नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता है कि पहली जाति कब बनी? आप बता सकते हैं कि ये जाति जो होती है वो जाति भी है? क्या आपने बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा? क्या आपने देखा कि बाबा साहब की जो जाति थी, बाबा साहब उसको यहीं छोड़ गए? क्या आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी बुद्धिस्ट बनता है या मुस्लिम बनता है तो उसके साथ कास्ट नहीं आती है, क्योंकि वहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है? तो उन्होंने कहा, राज साहब, अगर हम इतना जानते होते तो क्या हम यहाँ भाषण देते? अब वो तो मुस्कुराते हुए चले गए, और सारी कायनात के जितने भी प्रश्न थे वो मेरे दिमाग में डाल गए। क्योंकि मैंने उनसे एक प्रश्न और भी किया था कि आपने यहाँ इतना टाइम लिया, इतनी बातें की, वो बातें पॉजिटिव रहीं निगेटिव रहीं, आपको कुछ इसका अंदाजा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 का डोनेशन दिया है इस कार्यक्रम में। तो मैंने कहा, आप 10,000 का डोनेशन दे के वहाँ लोगों को भाषण दे रहे थे? कह रहे नहीं, वो जो मुख्य अतिथि था उसने 50,000 का दिया है, मैं उनको 40,000 का दे रहा था, आप मुझे मुख्य अतिथि बना देते। मगर वो मेरे 40,000 पर नहीं माने, तो मैंने मुख्य अतिथि से ज़्यादा टाइम ले लिया, ये और भी अच्छा रहा। यानी वो 10,000 में 50,000 वाला भाषण दे गए। ये समस्या जो माइक के मरीज हैं उनके लिए बड़ी अजीब सी है, क्योंकि माइक का जो मरीज होता है, आप कितना ही उसको कह लीजिए, वो तो मरीज है माइक का, उसे पता नहीं, वो तो माइक मिल जाए चिपट जाता है उससे। तो माइकों की, मरीजों की दास्तान पहचानने के लिए बड़ी समस्या और बड़ी गहन अजीब सी बात है, क्या बोल के जाते हैं क्या बोल के नहीं जाते हैं, ना आयोजकों को परवाह है, और सबसे ज़्यादा कमी हमारे जैसे लोगों की है जो खड़े होकर मन से पूछते नहीं कि भाई आप बोल क्या रहे हैं, आप सुन क्या रहे हैं और आप कह क्या रहे हैं। वो वहाँ जितने लोग थे उनको ठोक के बोल के चले गए कि जाति कभी नहीं जाती, और बाबा साहब ने इतना बड़ा सिस्टम एनालिसिस ऑफ कास्ट दिया हुआ है, दुनिया मानती है उसको, दुनिया मानती है कि बाबा साहब ने बताया कि ये तंत्र हवा में है, उन्होंने बताया कि ये मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि ये सिस्टम कहीं ज़मीन पर काम नहीं करता, ये हवा में है, इसको हवा से ही मारा जा सकता है, और उन्होंने मार के दिखाया। कितने कमाल की बात है कि जिस महापुरुष की किताब को पढ़ के माननीय काशीराम साहब जैसे क्रांतिकारी ने क्रांति कर दी एक छोटी सी किताब को, उन जनाब ने वो किताब देखी भी नहीं और वहाँ वो लेक्चर दे गए, और पूरा पूरा लेक्चर दे गए,
और उससे भी ज्यादा कमाल के लोग हैं कि उस माइक के मरीज को वो जो सुनने वाले हैं, क्योंकि मैं कहूंगा सुनने वालों की दिक्कत ज्यादा है, उन्होंने खूब सुना और उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि आपने इसको कैसे कहा और किस आधार पर कहा। एक महापुरुष जो 6 करोड़ लोगों को एक साथ उठा के चला गया, जब 30 करोड़ की पूरी भारत की जनसंख्या थी, उसमें 20% लोग ऐसे थे जिनको पता नहीं था, और वो अकेला आदमी उस अकेली किताब के दम पे और उस अकेले लिटरेचर के दम पे, अकेले फिनोमेना के दम पे वो सबको धाराशाही कर गया, उसकी बात में कहीं आता पता ही नहीं है। धन्यवाद।